हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं दिवाली स्पेशल बूंदिया। इसके लिए सबसे पहले मैंने एक कढ़ाई में 200 ग्राम चीनी लिया है। इसमें मैंने 1.5 कप पानी डाला है। अब हम इसकी चाशनी बना लेंगे। इसमें हम थोड़ा सा फूड कलर डालेंगे, ये देखें, और साथ साथ थोड़ा सा इलायची पाउडर। एक तार की चाशनी बना लेनी है हमें। अब हम साथ में लेंगे मोटा बेसन। बूंदिया बनाने के लिए मोटा बेसन ही अच्छा होता है। और थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका हम एक बैटर इस तरह का तैयार कर लेंगे। अब हमें एक तेल कढ़ाई लेना है, उसमें हम तेल डालकर इस तरह का कोई भी झर्रा हो, नहीं तो आप जो चालनी होती है उसमें भी बना सकते हो, हमें डालकर देखना है। देखिए, तेल जब हमारा गर्म हो तो इस तरह से हम इसमें झर्रा में डालेंगे। देखिए, जो हमने घोल बनाया है आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी किस तरह से है। और ये फटाफट से देखिए इसमें निकल रहा है। इसको झाड़ते हुए हमें इसको धीरे धीरे प्रेस करते हुए गोल गोल सुंदर सुंदर बूंदी निकाल लेनी है। ये आप देख सकते हैं कितनी अच्छी बूंदी बन रही है। इसको हम दोनों तरफ से पलटते हुए सेकेंगे और फिर धीरे धीरे इसको, जब ये लगे थोड़ा ब्राउन हो गया तो हम निकाल लेंगे। देखिए इस तरह का कितना सुंदर बनकर तैयार हुआ। इसी तरह से हम ग्रीन और रेड कलर की भी बूंदी बनाकर तैयार कर लेंगे। ये देखें, इस तरह से मैंने बना लिया है। कितनी परफेक्ट बूंदी है। इसका आप चाहे तो रायता में भी यूज़ कर सकते हैं। और आज हम बना रहे हैं बूंदिया, तो जो हमने एक तार की चाशनी बनाई थी उसमें अब हम इसको डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसको हमें अच्छे से ऊपर नीचे करते हुए मिलाना है। कम से कम 5 से 10 मिनट तक हमको इसको मिलाते रहना है और फिर इसको थोड़ा सा खोल देना है। ये धीरे धीरे बहुत ही परफेक्ट बूंदी तैयार हो जाएगी। तो कैसी लगी रेसिपी फ्रेंड्स, आपको जल्दी से बताएं। बाय।